हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तक बात की थी। आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। हम पहले देखते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, वो हम समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अगर दो एटम्स के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह के एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होती है, जिन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा हो, भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होती है, फर्स्ट कंडीशन। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और बी, यानी कि सॉरी ए और बी के बीच में, सपोज दैट कौन सा बॉन्ड होना चाहिए आपका, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अगर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तब तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होती है, फर्स्ट कंडीशन। अब एक चीज बताओ, देखो एक और कंडीशन है, सपोज दैट ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अगर ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ए क्या करेगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ए और बी के बीच में क्या होगा, एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि ए भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, बी भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, उससे क्या बनता है आपके, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, और अगर ए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले जाएगा तो इस पर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में है तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और उसकी वजह से उस पर चार्ज क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पर चार्ज क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं ये कहने लगूं B is more electronegative than A, अगर हमारा B जो है A से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा भाई, देखो अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और A पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होती है वो किस में होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और जो इलेक्ट्रॉन जो एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस पर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये लिख सकता हूँ, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में एटम्स की इलेक्ट्रॉन यानी के मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ रही होगी, ये एटम की वो टेंडेंसी है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें पार्शियल नेगेटिव, जिसकी कम होगी उसमें पार्शियल पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो यही वर्क कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने जो इनर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपने आउटर सेल में एंटर करा रही है, लेकिन ये क्या करता है भाई, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए डिफाइन होती है भाई, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइन होती है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। आप इन दोनों को एक चीज नहीं समझ सकते बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइन है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होती है। अब हम बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं भाई। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात कर लेते हैं किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, फैक्टर
अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? फर्स्ट जो फैक्टर होगा सब में पहला फैक्टर यही होता है साइज। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? साइज। अब हम बात करें ये जो साइज वाला फैक्टर होगा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? एक चीज बताओगी, जैसे जैसे साइज बढ़ता चलेगा इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चलेगी। सिंपल सी बात है भी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अब न्यूक्लियस की शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चलेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चलेगी? कम होती चलेगी। तो वी कैन से रिटेन एज साइज बढ़ने से क्या होगा भाई, अगर आपका साइज इंक्रीज होगा तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है आपकी? कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो वी कैन से रिटन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटेगी। सेकंड फैक्टर होगा आपका जेड इफेक्टिव। सेकंड फैक्टर क्या होगा आपका? जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है भाई? आउटर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना इजीली अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब वी कैन से रिटन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यानी कि न्यूक्लियस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कैटायन हो या फिर एनायन। एटम आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। एटम आपका कैटायन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और एटम आपका एनायन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम थर्ड फैक्टर बात कर लेते हैं चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, देखो भाई कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है भाई? देखो चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा या नहीं होगा भाई? बात समझ में आ रही है? चार्ज ऑफ कैटायन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और वो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता रहेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता रहेगा आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो वी कैन से रिटन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। यानी कि कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। आओ इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं भी। सपोज दैट मैंने बात कर ली Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी भाई? देखो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? Fe प्लस थ्री का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Fe प्लस थ्री की होगी। सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखूं दैट इज Mn प्लस टू, Mn प्लस फोर, Mn प्लस सिक्स, Mn प्लस सेवन, इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी भाई? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिस कैटायन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। Mn प्लस टू से Mn फोर की ज्यादा होगी, Mn प्लस फोर से Mn सिक्स की ज्यादा होगी, Mn प्लस सिक्स से Mn सेवन की ज्यादा होगी। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हो। कैटायन जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है। अब हमारे दो फैक्टर बचे हैं उनकी भी स्टडी करते हैं भी। अब हमारे दो फैक्टर और बाकी हैं, फोर्थ फैक्टर दैट इज चार्ज ऑन एनायन। देखो भाई एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? चार्ज ऑन एनायन बढ़ने पर, एनायन पर का चार्ज बढ़ने पर क्या होता है? देखो एनायन पर चार्ज बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एंटर करते जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एंटर कर रहे हैं तो जिससे जेड इफेक्टिव की वैल्यू घटती है। जिससे किसकी वैल्यू घटती है बेटा? जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हम क्या कह सकते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो वी कैन से रिटन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। चलो एक दो एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ टू नेगेटिव सॉरी ओ नेगेटिव और ओ टू नेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ओ नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पर एनायन का चार्ज जितना ज्यादा है टू नेगेटिव ज्यादा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी? कम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल सपोज दैट एन नेगेटिव
N2 negative, N3 negative. अब इन तीनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? देखो NN का चार्ज सबसे ज्यादा इसमें है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, उससे कम और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी भाई? N माइनस की। तो भाई चार्ज NN का जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होने वाली है। अब हम फिफ्थ फैक्टर यानी कि जो हमारा फिफ्थ फैक्टर होता है उसकी बात कर लेते हैं। फिफ्थ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इसको, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को हम डीप में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग में। एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ बेटा, जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं वो होते हैं sp2 और sp3। जो मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? sp2 sp3। हल्का सा रफली आइडिया दे रहा हूँ बेटा आपको। और एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूँ उनमें परसेंटेज एस करेक्टर, तो हाइब्रिडाइजेशन सुनती है आपके दिमाग में फिलहाल तीन वर्ड आने चाहिए बेटा, sp sp2 sp3। अब मैं बात करूं कितना परसेंटेज एस करेक्टर होगा बताओ? sp है सपोज दैट, तो एक पार्ट एस का है एक पार्ट पी का है, तो एस का कितना परसेंट हो गया? 50%। अब मैं बात कर रहा हूं sp2 में एस का कितना परसेंट होगा बेटा? देखो एक पार्ट एस का है दो पार्ट पी के हैं, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं sp3 में एक पार्ट एस का है बाकी थ्री पार्ट पी के हैं, तो एस का कितना परसेंट होगा? 25%। तो आप देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन हमारे तीन यूज होते हैं बेटा। और एक चीज याद रखो, सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें होता है? एसपी में होता है, उससे कम एस करेक्टर sp2 में, उससे कम एस करेक्टर sp3 में। आपने देखा था बेटा पेनिट्रेशन पावर, जिसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है बेटा? एस की होती है। एस जो आपका ऑर्बिट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, और जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत आसानी से करेगा भाई। देखो जिसका एस करेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट बहुत अच्छी तरह से होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। याद रखना बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एस सबसेल का साइज सबसे छोटा होता है, और जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, और जो चीज न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगी वहां न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? उसको अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? सबसे बेटर अट्रैक्शन किसमें होगा बेटा? एस में होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस की क्लोज है। तो जितना बेटर अट्रैक्शन होगा यानी कि जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इतनी ज्यादा होने वाली है। चलो एक एग्जाम्पल से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ और तब इसको समझ लेता हूँ। सपोज दैट CH triple bond CH, CH2 double bond CH2, CH3 triple single bond CH3। देखो यहाँ पर CH double bond CH में आपके दो pi bond होते हैं। कितने pi bond होते हैं बेटा? इसको हम नेक्स्ट यानी केमिकल बॉन्ड में बहुत डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है तो बस आपको बता रहा हूँ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा, इसमें वन पाई बॉन्ड होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, नो पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका आप ये बता सकते हो बेटा जिस परसेंटेज एस करेक्टर किसमें ज्यादा भाई? इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, इसमें 50% एस करेक्टर है, इसमें 33% एस करेक्टर है, इसमें 25% एस करेक्टर है। जिसमें परसेंट एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? इसकी ज्यादा होगी। तो वी कैन से रिटन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो सकता है बताओ? यानी कि हम कह सकते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन sp2 देन sp3। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ये हो क्या हो गए आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की, अगर हम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ट्रेंड क्या होगा उसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स, फर्स्ट ट्रेंड हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में जा रहे हैं तो क्या होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो जैसे जैसे आप अलोंग पीरियड जा रहे हो भाई, तो क्या होता है आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है,
एक पीरियड में जाओ जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज क्या होता है आपका घटता है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आपकी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है। अगर हम सेकेंड पॉइंट में बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम का मतलब अलोंगा ग्रुप जाने पर क्या होता है बताओ? आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव हम क्या मानते हैं? भी सेम मानते हैं, जेड इफेक्टिव पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन साइज क्या होता है आपका बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी घटती है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती है। तो आपको याद रखना है, ट्रेंड याद रखना बेटे, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। आओ अब हम बात करते हैं इन, यानी कि देखो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी है, उनकी बात करते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं जिसकी हेल्प से आप कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रख पाओगे। तो मैं आपको वैल्यू बता लिख दे रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन पीरियड फर्स्ट, मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखूंगा जो आपको लर्न करनी बेटा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन है, उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर की बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। देखो ये आपके 10 एलिमेंट है बेटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 10 एलिमेंट हैं जिनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बिल्कुल याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, बस ये सिंपल आपको वैल्यू याद रखनी है। देखो देखो आप सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हो, फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल। दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है बेटा। क्या होती है? 4। ये आपको याद रखना बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, 4 होती है। जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाते रहोगे 0.5 की डिक्रीजमेंट आती चलेगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5, और हाइड्रोजन की बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 2.1 होती है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करें फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 किसकी तरह बराबर होती है बेटा? हाइड्रोजन के बराबर होती है। और अगर हम बात करें कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा सेम होती है। अब क्लोरीन की बात करें बेटा, यहाँ से हम क्लोरीन पर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3 होती है। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.8 होती है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5, क्लोरीन की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3। ये आपको कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी है। देखो तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है उन्हें मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। देखो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है, ये याद रखना है आपको। कार्बन, सल्फर, मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.5। कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती है, बैसेज 2.5। सब मैं बात करूँ नाइट्रोजन, सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, 3, क्लोरीन की वैल्यू 3। इस तरह से आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रख सकते हो। भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की इक्वल होती है बेटा। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन क्लोरीन की इक्वल होगी, उसके बाद उससे कम किसकी होती है बेटा? ब्रोमीन की 2.8। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन की किसकी इक्वल होती है? सल्फर की, आयोडीन की इक्वल होती है, और सबसे कम हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। इस टेबल को आप याद रख सकते हो। देखो आप सिंपल सॉल्व ट्रिक ये भी याद रख सकते हो, सिंपल आप याद रख लोगे, ठीक है। इस तरह से आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आनी चाहिए, जिनका आगे आके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही क्लोज करते हैं, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये लास्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग।